सबकी एंट्रीज अलग अलग है, देखो वहाँ से अलग एंट्री होती है, यहाँ से जूनियर किंडरगार्टन बच्चों की एंट्री होती है, प्लेग्राउंड एरिया। बाय। आज देखते हैं उनका लंच बॉक्स। सबसे ज्यादा मेरे लिए सरप्राइजिंग होता है कि अगर वो खत्म कर लेती है। आते साथ ही इसका ये चालू हो जाता है। बाय बेबी, बाय स्वदी। लग रहा है मुझे 2-3 दिन है ना स्वदी के साथ आना पड़ेगा। Yes, good job. क्या लेके आई हो? क्या लेके आई हो? बानी। बैठ के आती है हमेशा लाना ले जाना स्ट्रोलर का। आती बैठ के हैं, खाली लेके जाते हैं यहाँ से ताकि उनको चलना ना पड़े। वेलकम बैक टू माय चैनल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? हम लोग एकदम मजे में हैं। सुबह जा रहे हैं, आप लोग को सड़कों पे ऐसे दिख रहे हैं इसका मतलब स्वदी को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। अभी बज रहा है 8। आजकल सुबह इतनी जल्दी हो जाती है हम लोग की, तकरीबन 6 बजे तो मैं उठ जाती हूँ और साथ के साथ स्वदी 6:30 तक उठ जाती है। फिर मैं लंच प्रिपेयर करती हूँ। आज उसका day 2 है स्कूल का और आज सुबह से ही वो नाटक कर रही है, नहीं जाना है, आई डोंट वांट टू गो स्कूल। एक दिन का एक्साइटमेंट था और दूसरे दिन ऐसी ठंडी पड़ गई है, समझ नहीं आ रहा कि उनको मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। एक्चुअली 6 घंटे का टाइम है। प्ले ग्रुप में जब थी, पहले जब प्ले स्कूल में थी तो उसमें क्या था ना, बच्चों को 2 घंटे के लिए रेस्ट करा देते थे तो फिर आराम से बच्चे लोग खेलते थे, सो जाते थे, रेस्ट करते थे, फिर खेलते थे, फिर अपना टॉयज से खेलते थे, कभी आउटडोर प्ले करते थे। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी होती रहती होंगी, सोने का कुछ कॉलम है ही नहीं, एकदम टायर्ड हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो अभी छोड़ने के लिए जा रहे हैं। सदी, सदी, आर यू एक्साइटेड? यस, डू नॉट क्राई, ओके? हाँ, अच्छे से जाना, तय पे मत करने लग जाना मम्मी डैडी को देख के। अभी तो ये रेडी है, लंच बॉक्स पैक कर दिया है, थोड़ा सा दूर है, फिर हमें वो मिलेंगे, सुबह का टाइम है क्रॉसिंग गार्ड रोड क्रॉस कराने करने के लिए। कभी एकदम ऐसी धूप हो जाती है और कभी कभार ऐसा लगता है कि ठंडा मौसम है। अभी मैं ये पहन के आई, मैंने कहा चल कम से कम ये थोड़ा श्रग जैसा सा है, हल्का थोड़ा वार्म रहता है, पहन लेती हूँ। बट वॉक करते करते इतना ज़्यादा गर्मी लगने लगी कि लग रहा है कि यार ये क्यों पहन लिया। आज हवा नहीं चल रही है, हवा चल रही होती तो और ज़्यादा लगता है। अभी जा रहे हैं स्वती के कुछ कुछ स्टूडेंट, स्कूल के बच्चे दिख रहे हैं, कुछ अकेले जा रहे हैं। उस कल तो मतलब बहुत भीड़ थी, आज अभी लग रहा है कि थोड़ा आराम आराम से ही आएंगे। फर्स्ट डे सब लोग थोड़ा अच्छे से आ गए थे, जल्दी जल्दी मैं जा रही हूँ यहाँ वीडियो रिकॉर्ड करते करते। मयंक और स्वदी जा रहे हैं आगे। अभी लग रहा है मुझे 2-3 दिन है ना स्वदी के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसके मूड का कुछ कह नहीं सकते। वैसे भी 2-3 दिन बचे हुए, फिर वीकेंड आ जाएगा और अभी हमारा 30 का फास्ट भी आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर गणेश पूजा है। गणेश पूजा के इस बार कुछ अलग प्लानिंग है, शायद मैं करूं या ना करूं वो पता नहीं, लेकिन ये है कि हाँ कुछ प्लान्स तो हैं गणेश जी के स्थापना को लेकर। मेरी एक फ्रेंड है, उनके यहाँ जाना है तो वो प्लान है। 8 तारीख का मेरा बर्थडे भी है तो कमिंग व्लॉग्स थोड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं आप लोगों के लिए भी, और ज़रूरी नहीं है। वैसे भी कुछ दिनों से मैं व्लॉग नहीं बना रही, बीच बीच में गैप दे दे रही हूँ, तो यूट्यूब ऐसा मेरा चैनल को वो किया हुआ है, एकदम रोक रखा है, ना तो रिकमेंड हो रहा है, व्यूज़ भी ऐसे आ रहे हैं आप लोग देख ही नहीं रहे हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, अगर आप लोग को चाहिए कि मैं डेली व्लॉग बनाऊं तो मैं अब डेली ही व्लॉग बनाऊंगी। थोड़ा सा लगता है कभी कभार कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता है तो मैं व्लॉग नहीं बनाती हूं, बट लगता है बनाना पड़ेगा। पहुंच गए स्कूल के पास, यहां पर खाली खाली है, यहीं लग जाओ साइड में लाइन से। जैसी एंट्री आएगी टीचर्स आएंगी 8:30 तक, अभी 8:25 हुआ है। इनको रिएक्शन इनका दिखा देते हैं जरा। स्वदी, टीचर मामा, टीचर विल कम आफ्टर 5 मिनट्स। ये देखो डैडी एंड बेबी आर ट्यूनिंग कर रहे हैं ना। सच्ची तुम्हारा और स्वदी का मैचिंग हो गया आज तो। और ये है इनके स्कूल का एरिया और यहाँ पे मस्त बच्चे खेलते रहते हैं। इतना बड़ा प्लेग्राउंड है, सबकी एंट्रीज अलग अलग है। देखो वहाँ से अलग एंट्री होती है, यहाँ से जूनियर किंडरगार्टन बच्चों की एंट्री होती है, प्लेग्राउंड एरिया है। स्वदी के स्कूल में अभी तो फिलहाल कोई नहीं दिख रहा है, ये इस गेट से ही एंट्री होती है। वाह, ओह इट्स लॉक्ड।
Yes, good job, Swadhi. And you can say bye-bye to Mama, Daddy. Yes? Class is Monday, no? Yes, your friend is coming. So friends are coming. Choti, Swadhi, do not cry. Okay. Now she's happy today. Wow, that's nice. I can sense it. Yeah. Swadhi, are you ready? Ma'am, what is the class number of her classroom? Yeah, yes. Her classroom four. Class four. Number four. Four. Okay. Yeah. Thank you. No worries. So we have to mention in the that form actually. Form actually. Yeah, in the next month or so, we'll be doing bye-bye. Like a. Bye, baby. Bye, Swadhi. Bye, bye. Go, go, Inse. What happened? What happened? Okay, you too. Good morning, parents. Good morning. Yes, what happened, Chunu? Okay, okay, go. Go, go, go. Go, go, go. High five. आज अच्छे से चली गई है, लग रहा था कि नहीं जाएगी, मन को थोड़ा तसल्ली है। अब हम जा रहे हैं घर, उसको छोड़ दिया पूरा, बाय बाय मम्मा बाय मम्मा करते करते गई। स्ट्रॉलर ले जाते हैं खाली, ये देखो बैठ के आती है हमेशा, लाना ले जाना स्ट्रॉलर का, आती बैठ के हैं खाली लेके जाते हैं यहाँ से ताकि उनको चलना ना पड़े। लेकिन इसके बहाने पता है एक चीज़ अच्छी हो रही है कि हम लोगों की वॉक हो जा रही है। वैसे तो घर में बैठे रहते थे, कहीं निकलना ही नहीं होता था, बैंक तो भी जाते थे सामान वामान लेने, मेरा तो कहीं नहीं हो पाता था निकलना, बट अभी बेटर है कि स्वदी को छोड़ने लेने जाते हैं तो अच्छा रहता, थोड़ा वॉक हो जाती। घर चलते हैं, नाश्ता बनाते रेडी करते, 5-6 घंटे का अच्छा टाइम है, उसके बाद स्वदी को लेके आएंगे। मैं बनाने जा रही हूँ डोसा, इसका बैटर में मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया है और कितने अच्छे बबल्स आ रहे हैं, अच्छे से फर्मेंट हुआ है। और ये वाला बैटर मैंने दोबारा एक बार बना लिया था, थोड़ा सा कम ही है, 2 बार बना चुकी हूँ और ये 3री बार है आज। जनरली नाश्ते में कभी कुछ करना रहता है ना तो मैं इसको रख देती हूँ सेपरेट करके, इसमें से खाली करूँगी, बहुत सारा था खाली हो चुका है। अब इसमें से निकाल के, जैसे ये निकालना है, उसको पानी मिलाया, थोड़ा सा लिक्विड किया इस तरीके से और फिर उसके बाद इसमें नमक मिला दिया, मसाला बना के रेडी और डोसे तैयार कर दूँगी नाश्ते के लिए। अभी जा रहे हैं हम दोनों स्वदी को लेने के लिए और यहाँ पे बज रहा है 3:45 बजे छुट्टी होगी आज। देखते हैं उनका लंच बॉक्स, सबसे ज़्यादा मेरे लिए सरप्राइजिंग होता है कि अगर वो ख़त्म कर लेती है तो, और अगर नहीं ख़त्म करती है देखते हैं क्या सीन है। ब्रेड व्रेड दो या फिर उसकी कुछ फेवरेट चीज़ दो, तो वो वैसे भी उम्मीद होती है कि वो फिनिश करके ही आएगी। आज का लंच ख़त्म किया है नहीं किया वो मैं आपको बताती हूँ। जाते हैं यहाँ से, 3-4 दिनों से तो 4-4 किलोमीटर हम दोनों की वॉक हो जा रही है, जाना आना। चलो, और धूप लगती है सामने से आते वक्त, अभी तो नहीं लग रही है क्योंकि पीछे की तरफ है ऐसा सूरज, और जब सामने से आते हैं ना एकदम आंखों पे ही पड़ती है धूप, तो इसीलिए चश्मा मैं तो हमेशा ही भूल आती हूँ, अम्ब्रेला ज़रूर ले आए आज ताकि धूप ना लगे। देखते हैं स्वदी को पहुँचते हैं, लेते हैं, खाना रेडी कर दिया है, उनके फेवरेट आज का लंच में दाल चावल स्पेशल बना रही हूँ। वैसे तो मैं डेली चावल नहीं बनाती लेकिन आजकल बना दे रही हूँ ताकि उसको पसंद है। मम्मा आज मुझे, कल मुझे गले लगी पता है, कल गले लग के बोली यू मेड राइस एंड दाल फॉर मी मम्मा। Oh my god. Oh my god. Yeah.
गई हैं इन्हें अच्छे दिन के लिए इतना अच्छा लॉलीपॉप मिला है. स्वादु, आर यू ईटिंग लॉलीपॉप, योर फेवरेट रेड वन? यस. ओके चलो, चश्मा लगाना है बेटू, धूप हो रही है. पीछे आ जाओ, पीछे आके बैठ जाओ. क्या लेके आई हो? क्या लेके आई हो? बनी. बनी? यस द बनी. ओके बी बनी. बनी इट्स माय सिस्टर. सिस्टर? यस. व्हाट इज योर सिस्टर नेम? सिस्टर बीइंग माय बनी. यू आर बनी. अभी स्वधि गई है क्लास करने के लिए. आज थर्सडे है तो पहले मुझे लगा था स्कूल से आने के बाद में मुश्किल हो जाएगा, कौन लेके जाएगा, बट मैं बोले कि चल अभी 3:15 तक हम लोग घर आ गए थे, 3:20 पर घर आ चुके थे और मैंने आज से नमकीन चावल बनाए थे तो थोड़ा सा खाने में भी स्वधि को ईजी हो गया था. तो खाना खाने के बाद उसको रेडी किया, पापा उसे लेके गए हैं. तो अभी बस क्लास खत्म हो गई है, उनकी फ़ोन आया था तो क्लास करके आ रही है. मैं नीचे जाती थोड़ा सब्जी वगैरह लेके आनी है और कल तो मेरा फास्ट है. उसके बाद में फिर 7 तारीख को थोड़ा हमें गणपति पूजा के लिए जाना है मेरी एक फ्रेंड के यहाँ पर. तो सैटरडे बाहर रहने वाला है तो इसीलिए टाइम मिलेगा नहीं, और क्लास कराने का इनको सैटरडे संडे सुबह की क्लास होती है और संडे मेरा बर्थडे है 8 तारीख को, तो सुबह की क्लास मिस हो जाएगी. तो इसीलिए थोड़ा सा एफर्ट डाला, मन बिल्कुल भी नहीं था, फिर भी सोचा कि चलो जाके करा देते हैं क्लास. झूला उठा लिया है मैंने, जा रही हूँ मैं सामान लेने के लिए और मयंक और सभी मुझे वहीं से ज्वाइन कर लेंगे. अभी भी धूप हो रही है, 6:15 बज रहा है और कुछ अलग सा खाने का मन कर रहा है. सोच रही हूँ लौकी अगर आएगी तो लौकी चने की दाल या लौकी के कोफ्ते बना लूँगी. हवा चल रही है भयंकर वाली. मैं सोची थी जैकेट डाल के आऊँ क्या, मैंने सोचा चलो नीचे तक ही जाना है. आवाज़ आपको पूरी सुनाई दे रही होगी वीडियो में. सॉरी भी मिल जाएगी. आज उसने बता रहे थे मैं कि उसने क्लास अच्छी करी है, पूरा चिल्ला चिल्ला के एकदम अच्छे से, जैसे हर वक्त नाटक करती है ना, वो सब नहीं किया आज. तो मैं कहा चलो थोड़ा सा बिजी है, आज दोपहर में सोई भी नहीं है तो अभी उसको आज जल्दी मैं सुला दूंगी. पीछे भी काम चल रहा है, घास कटिंग. ये देखो आवाज़ आ रही है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है सोसाइटी के आसपास, क्लीनिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ, रिपेयरिंग से रिलेटेड काम. आज जल्दी सो जाएगी स्वधि क्योंकि आज दोपहर में सोई नहीं है और वहाँ पर पूरे दिन के लिए गई थी, थक गई होगी. आज क्लास भी करी है, हाथ पैर मारा मारी चलती रहती है, केक्स और ये लेग्स वगैरह रेज करना. तो जल्दी खाना खिला के सुला दूंगी. आते साथ ही इसका ये चालू हो जाता है सबसे. हाँ ये चेंज हो गया है, पूरा का पूरा ग्रीन कलर का हो गया. साधु साधु ये क्या कर रहे बेटू? आते ही साथ इसको बास्केट पकड़नी होती है, मैं सब्जी ले लेती हूँ. कुछ लौकी की तरफ चलते हैं, लौकी लेते हैं. आज इतना थक थक हार के अब बोल रही है शाम का, और कितना बज रहा है? 7 बजने वाला है. बोल रही है मम्मा आई वॉन्ट टू वॉच टीवी, डैडी आई वॉन्ट टू वॉच. मैंने कहा तू वैसे भी बेटा तेरी एनर्जी लो होने वाली है, थोड़ी देर में देख ले. मैं आई हूँ डायरेक्ट खाना बनाने क्योंकि 7 बज रहा है और इसको जल्दी से खिला के सुलाना है, इसीलिए खाना रेडी भी टाइम पर करना है. सब्जी वगैरह लेकर आई हूँ और बहुत दिन से मन हो रहा था पानी पूरी भी लेकर आ रही हूँ. हो गया एकदम रेडी, लौकी चने की दाल बन के रेडी हो चुकी है, बस भूख लगाना है मुझे. खाना बनके रेडी हो चुका है, मैं जा रही हूँ स्वधि को खाना खिलाने के लिए और आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ. उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मैं मिलूंगी कल नई वीडियो के साथ. टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्वधि. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.